हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अजी मैटिची में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 250 ml बराबर कितना लीटर होता है ये सीखने वाले हैं, यानी कि ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ml का मतलब बता दो पहले कि ml का मतलब होता है मिली लीटर। ml बराबर मिली लीटर, और लीटर मतलब कि एल जो होता है जिसको बोला जाता है लीटर। ये जो मापन है, जो ये इकाई है, ये तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, पेट्रोल और इसी तरीके से अलग अलग जो पदार्थ है जो कि तरल होती है, जिसमें कि लिक्विड होता है, ठीक, जिसमें पानी वाला रहता है, उसको हम लीटर से नापते हैं। तो जिस तरीके से लीटर है, तो देखो एक लीटर बराबर जो होता है, एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml, जिसको ml हम बोल सकते हैं। ml मतलब कि मिलीलीटर। तो जिस तरीके से हम समझे, इसको समझने लगे मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, जो कि हम समझते हैं इसको कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 500 ग्राम होगा तो जिसको हम आधा किलो बोला जाता है, अगर 250 ग्राम है तो इसको बोला जाता है पाव भर। तो यहाँ पर 250 ml बराबर कितना लीटर होता है, यानी कि 250 ml को हम लीटर में बदलेंगे। तो कैसे, देखिए एक लीटर बराबर 1000 ml, यानी कि 1000 मिलीलीटर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, एक लीटर बराबर 1000 × 1 ml। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर हम 1 ml बराबर पता करना है कि आगे हम 1 ml का निकालेंगे कि कितना लीटर होता है। तो 1 ml बराबर क्या हो जाएगा, 1 ml बराबर 1/1, जो 1000 है पूरा इधर आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ml बराबर 1/1000 L, यानी कि लीटर। ठीक, तो अब देखिए 1 ml बराबर हमें पता चल गया कि 1/1000 लीटर होता है, तो 250 ml बराबर कितना लीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 250 ml बराबर, देखो 1 ml था तो यहाँ पर 1 लिखा गया था, यहाँ पर 250 ml है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 250 लीटर की जगह, और ml यानी इसके बाद 1000 ये नीचे वाला, ठीक। तो ये हमारा ये लीटर में बदल जाएगा, 250 ml हमारा जो है लीटर में बदल जाएगा जब 1000 से भाग देंगे। तो देखो 1 0 से 1 0 ये ख़त्म, बच्चा का है हमारे पास 25/100। तो इस जब 25 में 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0.25 लीटर। समझे कि नहीं आप लोग, ये होता है। तो हमारा आंसर निकल गया 250 ml बराबर 0.25 लीटर। जो देखो 100 से जब भाग देंगे 25 में, तो दो जीरो नीचे हैं, तो दो अंक बाद दाहिने से दो अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये रूल होता है, नहीं तो आप मोबाइल में भी भाग देकर देख सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने कि 0.25 लीटर होगा 250 ml बराबर। तो यानी कि हमें जब भी ml को लीटर में बदलना हो तो उसको क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ये हमारा तरीका हो गया। अब देखिए अगर 250 ml है तो ये कितना होता है एक लीटर में। तो जिस तरीके से 1 किलोग्राम में पाव भर होता है, जिसको बोलते हैं हम 250 ग्राम, 250 ग्राम जिसको बोला जाता है पाव भर, उसी तरीके से 250 ml भी है, 250 ml को भी पाव लीटर बोल सकते हैं हम, पाव लीटर जिसको बोला जाता है। अगर हम दूध लेते होंगे तो पता होगा कि एक पाव दूध हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं, इसको हम 250 ml बोल सकते हैं, या फिर उसका अलग होता है माप। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको आंसर मिल गया होगा कि 250 ml बराबर कितना लीटर होता है। ये हमारा टॉपिक था, तो बदलना सीख गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।